हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सोया पुलाव। सोया जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है, तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है धनिया पाउडर, 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल, गरम मसाला, 2 तेज पत्ता, 1 छोटा चम्मच जीरा, धनिया पत्ता गार्निश के लिए, रेड चिल्ली पाउडर, 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप मटर। मैंने इसमें फ्रोजन मटर का यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 2 हरी इलायची। इलायची को मैंने थोड़ा सा खोल लिया है। 1 बड़ा टमाटर, 1 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, 1 कप सोया नगेट्स जिसे कि मैंने पानी के साथ बॉईल कर लिया है और ठंडा करने के बाद इसका पानी निचोड़ के निकाल लिया है, नमक, हल्दी पाउडर, 1 गिलास बासमती चावल और पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 गिलास बासमती चावल यूज़ किया है, तो मैं एक गिलास और 1/4 गिलास पानी यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम चावल को वॉश करके सोक करते हैं। मैंने चावल को 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और मैंने इसमें साफ पानी डाल दिया है। अब हम इसे 15 मिनट तक सोक कर लेंगे। 15 मिनट के बाद हम इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। प्रेशर कुकर को गर्म कर लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। जीरा डालेंगे, मिक्स करेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, मिक्स करेंगे, प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज भुन चुका है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। नमक डालेंगे। मीडियम फ्लेम से टमाटर के गल जाने तक हमें इसे पका लेना है। टमाटर पक चुका है, अब हम फ्लेम को लो करके सूखे मसाले डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मसाले तेज छोड़ चुके हैं, अब हम इसमें मटर डालेंगे, मिक्स कर लेंगे, सोया नगेट्स डाल देंगे, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। मिक्स करेंगे, पानी डाल देंगे, सब एक साथ मिक्स कर लेंगे। ढक के 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी हो चुका है, कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं, पुलाव बन चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। सोया पुलाव बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।